तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव आ चुका हूँ आपके लिए जो कि एक ज़रूरी जानकारी लेकर। तो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख रहा होगा कि पटवारी और पुलिस वेटिंग कब और क्या, इस पर कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी इसमें अभी टाइम लगेगा, कितना इस पर प्रोसेस है। तो बताते हैं दोस्तों आपको जो कि कब तक ये वेटिंग आएगी, जो कि काफ़ी लोग परेशान हैं कि सर पटवारी में कब आएगी, पुलिस कॉन्स्टेबल में कब आएगी। तो देखिए जी, इसकी वेटिंग कैसे आएगी और क्या है प्रोसेस इसमें, तो बता दें आपको। तो बने रहे वीडियो के साथ, दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, इन लोगों ने छोड़ा है। तो देखिए, ये आपका पटवारी लेखपाल का। तो देखिए, लोक सेवा आयोग हरिद्वार 562 जो कि निरीक्षक के सापेक्ष अनुपस्थिति पाए जाने के कारण, तो 562 थे। तो देखिए इसमें, देखिए कितने पदों पर भर्ती आई। तो देखिए 8 अगस्त 2023 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, 28 जुलाई का आलिया बन। तो देखिए, राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल भर्ती 2022 में 562 राजस्व उप निरीक्षक की तैनाती का विवरण परिषद को प्रेषित किया गया है। तो देखिए इसमें से, देखिए आपका जो कि अल्मोड़ा में 49, 18 चमोली चंपावत में जो कि आपकी पोस्ट थी, बाकी एक फरवरी 2024 से दिनांक 31/10/2024 तक जनपदों में आईटी केंद्रों राजस्व का पुलिस भूले का करेंगे। तो देखिए, आप देखिए इस पत्रावली को पढ़िए, अब इसमें क्या है। तो देखिए आपका महोदय, पत्रावली के प्रतांग जो कि उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या आपके 28 जुलाई 2023 में कार्यालय पत्र 8 अगस्त 2023 का संदर्भ ग्रहण का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के 563 पदों के अध्याचन के क्रम में राजस्व उप निरीक्षक पटवारी 2022 के द्वारा 562 राजस्व उप निरीक्षक की तैनाती का विवरण प्रेषित किया गया। लेकिन उल्लेखनीय है कि उप निरीक्षक के परिषद दिनांक 10 नवम्बर 2023 के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को इस नामित के लिए 1 नवम्बर 2023 से संचालित भी किया गया, जिसमें से कुछ लोग जो कि प्रशिक्षण में अनुपस्थित चल रहे। तो देखिए, जिसके क्रम में जिलाधिकारी द्वारा अपने अपने जनपद में अनुपस्थित पाए गए अभ्यर्थियों की सूची परिषद को उपलब्ध कराई गई है। तो जे के सादर, चूँकि उत्तराखंड लोक सेवा को चयनित 562 राजस्व उप निरीक्षकों के सापेक्ष 35 अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 1 नवम्बर 2023 से संचालित व्यापारिक जो कि आपका प्रतीक्षा सूची, तो देखिए जिसके नामित उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची अंकित अभ्यर्थियों को किया जाए, तो उनकी वार्ता के क्रम में चयन किया जा सकता है, जिसके लिए 35 राजस्व उप निरीक्षकों की जो कि आपकी 35 सूची आनी है। तो देखिए अवसर, बाकी नए अभ्यर्थियों को इसमें अवसर प्रदान किया जाना तो चाहिए। तो देखिए, यह हमारा लोक सेवा हरिद्वार को चला गया है, बाकी आपके जिलों में कितने लोग जो कि अनुपस्थित चल रहे हैं अपने जिला अधिकारी से, मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने DM से मिलिए और कितनी पोस्ट है आपके उधर, और वो फॉर्म होगा आपके पास वो ले जाइए, और कितने लोग ट्रेनिंग में हैं और कितने अनुपस्थित हैं, और इसकी पुष्टि करके और लोगों का नाम भी मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो आप, UKPSC स्टडी पॉइंट पे आप, जो कि अपने DM से कितनी पोस्ट है और कितने लोग ने ज्वाइन नहीं किया, तो आप उनका मेरे को बायोडाटा और नाम भेज सकते हो, क्योंकि इसी से मैं और लोगों को भी पता लगा सकूंगा कि पटवारी में अभी तक कितनी लोगों की सीट खाली चली। बाकी ये देखिए आप कितने लोग थे ये, तो बाकी देखिए मोहित पुत्र सुरेंद्र सिंह टीरी से खाली पटवारी, जो कि लोकेशर पटवारी टीरी से, रोहित चौहान टीरी से, तो देखिए बहुत सारे तो टीरी से, देखिए टीरी पिथौरागढ़ नैनीताल उत्तरकाशी चमोली लेखपाल, अब देखिए ये लेखपाल है, उधम सिंह नगर हरिद्वार अल्मोड़ा देहरादून। तो टोटल देखिए ये 562 लोग हैं, इनकी सूची जो कि आयोग के पास मेरे को जो कि जानकारी है, इनकी सूची जो कि भेज चुके हैं। दीपक असवाल को भी देख सकते हैं आप, ये बंदा भी वीडियो में निकल रखा है, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे, अच्छे खासे पढ़ा आपको बंदे ही है। और बाकी मैं इनमें से एक नाम आपको बताता हूँ जो कि मैं जिनको जानता हूँ अपने इधर से, कविंदर सिंह रावत जी, जिन्होंने जो कि ज्वाइन नहीं किया था, इन्होंने UKPSC को लिख लिया था कि मेरा चयन जो कि कनिष्ठ सहायक में हो रखा है, उनके लिए उन्होंने भेज दिया था। बाकी ये लोग हैं जो कि अनुपस्थित चले, बाकी लोग आपको अगर वेटिंग चाहिए
और विद्यार्थियों को पता लगाना है कि कितने अभी अनुपस्थित हैं, तो अपने SDM के पास जाइए और वहाँ से आप अपना इनका डाटा ले सकते हो कि कितने लोग जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं और कितने अनुपस्थित हैं। उसी आधार पर हम और लोगों का भी पता लगा पाएंगे कि कितने लोग अभी अनुपस्थित हैं जो कि पटवारी की ट्रेनिंग में। बाकी ये इसमें अभी काम किया जा रहा है, बाकी ये UKPSC पास चले गई है, अगर नहीं जाती है तो हमारा एक सप्ताह के अंदर 2-4 लोग और जा रहे हैं जो कि इस फाइल को फिर से ले जाएंगे जो कि UKPSC में। बाकी इसमें जो कि आज में वारिता मिलेगी, बाकी जिला देखा जाएगा, बाकी डेट ऑफ बर्थ मैच की जाएगी, बाकी OBC बहुत टाइम लगता है इसमें, इसलिए इसका जो कि मार्च तक इसकी वेटिंग आनी चाहिए इन 35 लोगों की, क्योंकि मार्च तक हमें बताया गया है कि 20 मार्च तक भी आ सकती है इनकी वेटिंग। बाकी बात करते हैं पुलिस वेटिंग का, तो चलिए जी पुलिस वेटिंग में क्या हो रहा है तो देखिए, पूरे वीडियो को बने रहे। तो देखिए दोस्तों कि पुलिस में क्यों नहीं वेटिंग आ रही, तो वेटिंग का कारण एक है। सबसे पहले वेटिंग का कारण आपका क्या है कि पुलिस में इसलिए नहीं आ रही वेटिंग, तो 200 पदों पर वेटिंग आनी है, तब 200 पदों पे आपकी वेटिंग आनी है तो आपको तो पता होगा कि पुलिस में कितने विभाग हैं। तो देखा होगा आपने ये पोस्ट आ रही थी उत्तराखंड पुलिस में, एक तो संवर्ग है PAC, RBI और देखे होंगे और क्या क्या है, बाकी आपका पुलिस में अग्निशामक है और आपकी और की बात की जाए तो पुलिस में कितनी कैटेगरी से ये पोस्ट आ रही थी जो कि 1521 पोस्ट, जो कि 2022 की भर्ती की बात कर रहा हूँ, और इसकी वेटिंग कब तक आएगी तो पहले तो ये देख लिए कितने फायरमैन में, अग्निशामक में पुरुष भी है, बाकी अगली पोस्ट को पता होगा कि उत्तराखंड पुलिस विभाग में RRB है, PAC है, वो तो अलग अलग पोस्टों में इन्होंने जो कि मेरिट बनानी है फिर से, जो 200 पदों पर वेटिंग आएगी, इसलिए इसमें देरी में हो रहा। बाकी क्या बनानी है, बाकी इन्होंने तो ले रखा है, लोग तो ले रखे थे इन्होंने 2200 कुछ, जो कि जब पुलिस का रिजल्ट आया था, लेकिन उस पर उन्होंने छंटनी करनी है कि किसको हमने RBI में डालना है, किसको हमें PAC में डालना है, किस में अग्निशामक में। बाकी एक लफड़ा तो ये चल रहा है वेटिंग में, जो कि UKPSC हरिद्वार के पास तो वेटिंग तो चले गई है, उत्तराखंड पुलिस की वेटिंग तो UKPSC हरिद्वार पुलिस विभाग ने भेज दी है, पर लेकिन बात उसमें अटकी है कि इन्हें अब जो कि बांटना है, कोई RBI में जाएगा, कोई PAC में जाएगा, कोई RXC में जाएगा, कॉन्स्टेबल में जाएगा, तो इतनी प्रकार की कैटेगरी से ये पोस्ट आ रही थी 2022 में 1521 पदों पर। बाकी कुछ ST में जाएंगे, कुछ ST में जाएंगे, कुछ OBC में जाएंगे, बाकी दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण की बात की जाए तो आय में वारिता मिल ली जाएगी, क्योंकि अब जिसकी आय बड़ी होगी उसे ही तो पहले ये वेटिंग से पहले निकालेंगे। सपोर्ट डेज किसी के 158, 156 OBC से है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ 97, इसके 98, तो पहले इस 97 वाले को लेंगे। इस वजह से जो कि आपकी पुलिस की जो कि वेटिंग आ नहीं रही, इस पर काम चल रहा है तत्काल ही आने की, मतलब आप लगा के मान के चलिए 28 फरवरी से 5 मार्च तक ये कन्फर्म आ जाएगी, क्योंकि अब क्या है इसमें ये पुलिस विभाग ने तो 94 कुछ पदों तो भेजा है, लेकिन और पद भी हैं उन पे वेटिंग आएगी, तो ये UKPSC इसको तैयार कर रहा है, और UKPSC तैयार कर रहा है फिर से 200 पदों का रिजल्ट ही समझिए आप इसको, जब वेटिंग है तो रिजल्ट ही उन लोगों को चयनित करेगा जिनके नंबर हैं, बाकी आय में वार्यता देगा, बाकी ST SC OBC जिन जिन छात्रों ने छोटा का EWS DFF उनकी जो कि मेरिट बनाएगा, और तब आपकी वेटिंग आएगी। तो दोस्तों ये लफड़ा है, बाकी मुझे लग रहा है कि 5 मार्च तक तो इस वेटिंग को आपको आना चाहिए, जो कि मेरे को जानकारी अभी पूछ लेना आप मेरे सब्सक्राइब से। तो दोस्तों ये है, और जब आपकी अब पुलिस भर्ती क्यों अटकी है, जब आपकी ये वेटिंग आ जाती है उसके तुरंत बाद आपको जो कि उत्तराखंड पुलिस के 1550 पदों पर UK SSC की ओर से जो कि विज्ञापन जारी करने को मिलेगा जो कि उत्तराखंड पुलिस का। तो देखिए मामला ये है कि वेटिंग पहले आएगी, उसके बाद जो कि नई भर्ती 1550 पदों पर आएगी। तो दोस्तों ये थी दोनों वेटिंग के मामले में, बाकी पटवारी में भी काम चल रहा है, और आपका उत्तराखंड पुलिस 2022 की वेटिंग पर भी काम चल रहा है, और बाकी नई भर्ती की बात की जाए तो नई भर्ती तब आएगी जब आपका इसकी वेटिंग आएगी। तो दोस्तों ये जानकारी थी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।